हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है रेत की भविष्यवाणी। मैं यहाँ देखना चाहूंगी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन, करेंट एनर्जी, डीप फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं आपको लेकर, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं। मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्रश हो, लवर हो, डियर सब के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत व्यूवर्स, मैं बोलना चाहूंगी कि शायद आप उस प्रोसेस पर नहीं हो जहां आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। किसी पर गुस्सा ना दिखाएं, क्योंकि एक एनर्जी है, जैसा दोगे वैसा वो आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये एक एनर्जी का खेल है। और एनर्जी का मतलब समझिए कि एनर्जी क्या कुछ होती है। लोग यूं ही इतने दिनों से वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। पेशेंस रखना होगा, अपने कमियों पर भी काम करना होगा, खुद को भी सुधारना होगा, अपने नेचर, अपने सिग्नेचर, अपने भाव, कि हम किसी को इतना दे रहे हैं और सामने वाला मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, क्यों? तो मैं खुद को क्यों ना बदलूं पहले, ठीक है। तो चलिए, मैं देखती हूँ, बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं लाई हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, मैं रेत की भविष्यवाणी इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जब मैंने रेत की भविष्यवाणी शुरू की थी तो मुझे सपने के थ्रू गाइडेंस मिली थी, जहाँ मुझे ये वीडियो बनाने को कहा गया। और वो आज महाशिवरात्रि है, तो मैं आपको बता भी रही हूँ कि मैं सपने के थ्रू काफी सपने देख रही थी वीडियो बनाने की, और शिव शक्ति, माँ पार्वती और शिव भोले दानी, अंतर्यामी, हम सब के स्वामी के सपने आए। और उस सपने में मैं अपने अपने ही बाइक से ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, सपने के थ्रू अपने हस्बैंड के साथ मैं ट्रैवल कर रही थी, और वो मेरी स्कूटी थी, ठीक है, और मेरा हस्बैंड चला रहे थे। उस रेत पर मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, कोई घर दिखने, पुराना घर था या टेम्पल था, तो उस टेम्पल को होते हुए मैं कोई पुराने घर में जा रही थी। तो उस रेत पर मैंने देखा शिव और शक्ति, और ये शंख, इस तरह का शंख देखा। और बार बार मुझे गाइड किया जा रहा था कि आपको कुछ करना है, अलग करना है, अलग करना है। इसी तरह से मैं बोलती हूँ, सपने के थ्रू भी गाइडेंस मिलते हैं आपके काम को लेकर, ठीक है। इंट्यूशन को फॉलो करना होता है, क्योंकि जब आप हील हो जाते हो तो वो चीज़ को बहुत जल्द कैच करते हो। तो इसलिए मैं आज शॉर्ट सा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से मुझे गाइड किया गया। और शिव शक्ति, जैसे आपने देखा होगा शिव और पार्वती का एक फोटो देखे होंगे, शिव और पार्वती का फोटो आता है और बीच में शिवलिंग रहते हैं, ठीक है। उसी टाइप का ये रेत पर, बहुत बड़ा रेत था, उसी पर शिव और पार्वती दिखे और ये शंख पड़ा था। तो अब बार बार मुझे गाइड भी किया जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा चीज न्यू स्टार्ट करूं। तो बार बार जब ये सपना मुझे गाइड करने लगा, और देखिए शिव शक्ति हस्बैंड वाइफ को भी दिखाते हैं, तो उसमें हम, मेरे हस्बैंड भी थे, ठीक है, और रेत से मेरी ये स्कूटी थी, ठीक है, वो मेरी ही स्कूटी थी, और वो स्कूटी से मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो बार बार जो सपना आने लगा व्यूवर, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाया। इसलिए मैं, आप देखेंगे इस पर मैं ओम बनाती हूँ, है ना, ओम यानी ओम नमः शिवाय, इंट्यूशन पावर, ब्रह्मांड की शक्ति, ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने रेत की भविष्यवाणी शुरू की, ठीक है। स्वास्तिक तो आप जानती हो, स्वास्तिक सुख शांति समृद्धि, बहुत कुछ है इसमें छुपा हुआ, नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि है, देखा जाए तो बहुत कुछ है। बस मैं ये शॉर्ट सा वीडियो इसलिए ला रही हूँ कि आप लोग को पता चले,
ये मेरी शुरुआत थी और आज के दिन मैं इन्हें इग्नोर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन तो मैं शॉर्ट सा लेकर आई हूँ आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी एनर्जी क्या है, है ना। तो मैं प्रॉपर ढंग से आप लोग को गाइड करने वाली थी कि मैं ये वीडियो क्यों बनाई, तो मुझे गाइड किया जा रहा था। और आज के दिन मैं इसे ना बोलूँ तो शायद मेरे महादेव शिव शक्ति नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनको खुश करने के लिए मैं आपको सत्य वचन और सही घटना और सही सपने का मीनिंग आपको बता रही हूँ। चलिए अब बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह मैं बोल रही हूँ कि आप अपने भी सपने को, मतलब गाइडेंस को फॉलो कीजिए कि यहाँ पे जो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो बढ़ो, बहुत जरूरी है। बहुत मिरकल्स होते हैं, अनगिनत मिरकल्स होते हैं, ठीक है। चलिए ओम चैंटिंग पीस और शांति बैलेंस के लिए, ठीक है। स्वास्तिक सुख शांति समृद्धि के लिए। तो चलिए ट्विन टेंशन देखती हूँ क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या चाहत है, क्या ट्विन टेंशन। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जय महादेव, हर हर महादेव, प्लीज गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। देखिए डियर, देखा जाए करेंट एनर्जी में तो प्यार ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज्ड हैं। और देखा जाए तो ये पर्सन बात को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको एक बात आपको लेकर पता चली हो व्यूअर्स यहाँ पे, कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो या आप कुछ काम कर रहे हो या न्यू फ्रेश स्टार्ट किया है, तो या फिर किसी के थ्रू आपके पार्टनर को पता चला है, ये बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको ढूंढ रहे हैं, मतलब कि लगातार आपको सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं। और देखिए इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स ट्रू है, बट मैं यहाँ नहीं बोलूंगी कि आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं इस वक्त। इनका दिल कह रहा है कि करूं या ना करूं, कंफ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है व्यूअर्स, ठीक है। जोड़ी साइन में मुझे बता देती हूँ, बहुत स्ट्रांग मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, मकर, टॉरस यानी वृषभ, वर्गो यानी कन्या, बहुत स्ट्रांग अर्थ साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर पैशनेट एनर्जी भी यहां मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चाहत भी है, अट्रैक्शन भी है, अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर से कसमकस होती है व्यूअर्स कि अभी वो आपको वो चीज नहीं दे सकते हैं। तो समय कैसे बीत रहा है और कैसे क्या करूं कि सब कुछ ठीक करूं, यहां पे ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनका दिल कहता है विवश कि प्रॉपर डिसीजन कैसे लूं, कैसे क्या करूं, इस तरह के थॉट्स हैं, ठीक है। प्लानिंग तो ये बहुत करते हैं लेकिन प्लानिंग इनका सक्सेस नहीं हो रहा विवश, ठीक है। फ्यूचर अगर देखा जाए तो फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी भी इनको कुछ एडवाइस दिया है बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, सोसाइटी समाज को लेकर, कुछ भी आपने कुछ ऐसी बातें बोली है, इस पर्सन के दिमाग में कुछ बातें हैं जो वो सोच रहे हैं और उस पर अमल करने हैं और वो काम करना चाहते हैं। शायद आपने कभी भी उनको मोटिवेट किया हो, ठीक है, लेकिन ये एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं बट ये नहीं ले पा रहे हैं। देखिए इस पर्सन या फिर ये काम पर बहुत मेहनत हार्डवर्क करना चाहते हैं, कुछ गोल्स हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शर्मिंदा है। शर्मिंदा किस लिए है, क्योंकि जो पल
जो एहसास एहसास और जो रिस्पेक्ट आपने दी है, शायद इन्होंने आपकी कहीं कद्र नहीं की थी, तो इनको इस वक्त अनुभव हो रहा है कि क्या करूं, क्या मैं बात कर लूं, चाहत को भी नहीं रोक पा रहा हूं, ये मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूं, समझ में भी नहीं आ रहा, खुद को ट्रिगर कर रहा हूं या तुम्हें ट्रिगर कर रहा हूं, क्या करूं। तो कहा ना व्यूवर्स, ये कसम कस वाली एनर्जी है, ठीक है। यहां पे ये पाइसिस भी हो सकते हैं, मीन कैंसर भी हो सकते हैं, कर्क, लियो भी हो सकते हैं, सिंह, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कुंभ, ठीक है। तो ये पर्सन, मुझे लग रहा है ये काफी कसम कसम है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां कहा जाता है ना डियर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार तो है, प्यार भी है, लेकिन फीलिंग्स को दबाना, कंट्रोल करना, वो वाली एनर्जी है डियर। इनका मूड स्विंग हो रहा है, इनको ऐसा दिल कर रहा है कि आपकी आवाज को सुने, या फिर आपको रूबरू होकर देखे, या फिर आपको वीडियो कॉल कर एक बार देख ले, लेकिन करूं कि ना करूं, करूं या ना करूं, इस वाली एनर्जी में है। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनका मूड स्विंग होता है और ये सोचते हैं कि इस वक्त सही वक्त है या नहीं है। दिली इच्छा है वो आपको देखना चाहते हैं, दिली इच्छा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। मुझे यहां लेटेस्ट दिख रहे हैं व्यूअर्स, एम आई टी सी आर डब्ल्यू एन के पी, ये लेटर्स मुझे यहां पे दिख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। देखिए इस पर्सन के अंदर में दिमाग में है ना डियर कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो आपके लाइफ में कोई न्यू फ्रेंड बन गए हैं क्या। देखिए इनके मन में बहुत सारे डाउट भी हो रहे हैं इस वक्त, कसमकस की एनर्जी में बहुत सारे दिमाग में बातें आती है, तो ये कसमकस में है, ठीक है। तो ये इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स है वो है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स बने होंगे, उसमें से आपके चाहने वाले कितने हैं। कुछ व्यूअर्स आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, बहुत व्यूअर्स यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ के पार्टनर कसम कसम है कि आपके लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड बने होंगे जिसमें कोई आपको चाहता भी है या चाहती भी है, क्योंकि किसी के पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे मिले हैं, ठीक है, और इन्हें डाउट भी होता है। देखिए इस वक्त इनको कहना मतलब क्लियर ये बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, दिली इच्छा है कि आपको देख ले, रूबरू हो ले, डर भी है, फियर भी है, चलो एक बार बात कर लेता हूं, फिर खुद को कंट्रोल करता हूं, मतलब इनके मूड स्विंग हो रहे हैं व्यूअर्स, मन को इच्छा को ये दबा रहे हैं, सॉरी चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं, लेकिन ये सही मायने में इनकी जो अंतरात्मा है ना आपका सामना नहीं करने दे रही है या आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। रिग्रेट तो होगा ना व्यूअर्स, जितने किसी ने इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपने उन्हीं से प्यार किया, सब कुछ समर्पण किया, तो इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी डियर ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। कुछ व्यूअर्स आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, आप लोग कुछ व्यूअर्स काफी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो, आप अपना सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो, या फिर आपने समझा है ये रिश्ता जो है अगर सोल में जर्नी में हो तो आप अपने पर्पस को जाना है, खुद से प्यार करना सीख रहे हो। कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है,
देखिए यहाँ पे कुछ एंजल्स की एनर्जी है, या बोलिए आज शिव शंकर भोले दानी की, शिव शक्ति की एनर्जी है। आपके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप इस सिचुएशन से गिव अप ना कर सके। व्यूअर्स, जो भी आप जर्नी में हो तो इससे आप गिव अप ना कर सके। इसलिए मेरे बहुत व्यूअर्स को मैं देख पा रही हूं, कुछ डिसीजन लोगे या नॉलेज गेन करोगे, या फिर आपने इस रिश्ते को जाना है, कुछ पर्पस को जाना है। अच्छी बात है। तो देखिए डियर, यहां पे जो एनर्जी निकल कर आ रही है, सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन एक कसम कस की एनर्जी है बिल्कुल। ये आपको मतलब क्लियर अभी भी ये नहीं हो पा रहे हैं, एक कसम कस की एनर्जी है कि करूं तो क्या करूं, ठीक है, ये वाली एनर्जी है, आपको दिख रहा होगा ना। तो मैं यहां बोलना चाहूंगी ना कि इस वक्त आप लोग रिलैक्स रहे, ठीक है, वो प्रॉपर एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह की एनर्जी है, चाहत है, प्यार है, बस जैसे हो रहा है ना, फिर करूं या ना करूं, करूं कि ना करूं, कसम कस की एनर्जी है, मूड स्विंग होगा, कभी भी ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। ये ट्रैवलिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ये ट्रैवलिंग आपके साथ भी हो सकती है व्यूअर्स। कुछ के पार्टनर ट्रैवलिंग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ के व्यूअर्स आपके साथ भी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहां से मैं एक कार्ड ले लूंगी डियर, ठीक है, जस्ट प्लीज गाइड करें। हरे हरे शंभु देवा महादेवा शंभु। चलिए हर हर महादेव का नाम लीजिए और पॉजिटिव रहिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, हर हर महादेव। नेक्स्ट एक्शन दिखाइए, एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें। झूठ बोल रहे हैं। अब ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं बता देती हूँ। क्लियरिटी, देखिए मैनिफेस्ट भी तो कर ही रहे व्यूअर्स। एक कार्ड जो दिख रहा है मैनिफेस्टेशन का ही दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूं, ये सही वक्त का वेट कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स का जो भी हो, आपके पार्टनर अगर कार्मिक साइकिल में है या फिर कर्मा फेस कर रहे हैं, तो वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में कि उनका लक साथ नहीं दे रहा और वो आपके तरफ क्लियरिटी नहीं कर पा रहे, ना ही वो आपको जस्टिस दे पा रहे हैं। लेकिन दिली इच्छा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है उनको पता है, और ये कहीं ना कहीं आपको अपना गुड लक मानते हैं, आप उनका लक हो ये उनको पता है, और ये कहीं ना कहीं डियर इस रिश्ते को लेकर वेट भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इन्होंने अगर आपसे झूठ बोला है, तो इस झूठ के वजह से इनको अपने लाइफ में कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, आप उनको मिल जाओ, रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। अगर इन्होंने आपसे बातें छुपाई है, झूठ बोला है, तो इस वजह से ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने झूठ बोला इससे पीछे छोड़कर ये आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी इस वक्त आपका भी इंतजार कर रहे हैं कि आप ही एक बार उनका हाल समाचार ले लो, ठीक है, ये सोच रहे हैं और आपका भी ये वेट कर रहे हैं। आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हो, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी बात है कि उन्होंने तो झूठ बोला, बहुत सारी बातें छुपाई, लेकिन आप क्यों उनसे झूठ बोल रहे, क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो देखिए डियर, यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत व्यूअर्स यहाँ जुड़ते हैं, रोज व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, सबकी एनर्जी होती है,
तो कभी कभी बहुत व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ भी जुड़ जाती है, इसलिए कभी कलेक्टिव ब्लीडिंग पे हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को मैच ना करे, लेकिन फिर भी आपको उस एनर्जी को फील करना है, अगर आपका है तो उसको रख लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, ठीक है। तो ये झूठ का सामना आपसे, मतलब जो भी झूठ का सामना कर रहे हैं अपने लाइफ से, अब ये चाहते हैं आपके तरफ एक्शन लेना। देखिए डियर, यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन के पैशनेट एनर्जी जरूर है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन झूठ की एनर्जी है, अभी भी क्लियरिटी नहीं आ रही है, आपसे बातें छुपा रहे हैं अपने लाइफ की, अपनी फैमिली की, अपने सिचुएशन की, लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपका भी वेट कर रहे कि आप उनका क्यों नहीं ख्याल रख रहे, आप उनका इंतजार कर रहे, आप क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे हो। लेकिन देखिए डियर, कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन है कि झूठ बोलने का नतीजा ये कहीं ना कहीं ये इनको भुगतना पड़ रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं कुछ कर्मा भी ये फेस कर रहे हैं, और उनके नजरों में आज उनको एहसास हो रहा है कि आप उनकी गुड लक हो, व्हील ऑफ फॉर्चून हो, तो आप क्यों नहीं उनका समाचार लेते, ठीक है। तो कहीं आप उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो बहुत तरह की बातें हैं, ठीक है। एक्शन लेना चाहते इस वक्त वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी इस वक्त मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं। तो ये है उनके थॉट्स डियर, उनके डीप फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, अभी भी ये पूरा इनके अंदर देख रहे हैं क्लियरिटी नहीं आ रही है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, कसम कस की एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहे, रिलैक्स रहे, खुद पर काम करें, वो एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन, देखिए पैशनेट एनर्जी आ चुकी है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी रिश्ते में पूरी तरह क्लियरिटी इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, इसी वजह से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात हो जाए, हिम्मत जुटा रहे हैं, मतलब अपने आप को स्ट्रांग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहें, ठीक है, आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव फील करें, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो आपसे कितना रेजोनेट किया, गाइडेंस को फॉलो किया, तो जरूर कमेंट में लिखें। ये मिरेकल्स सबके साथ होते हैं अगर आपने विश्वास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।